दोस्तों अभी मेरे हाथ में एक ये चक्कू है और इससे आज हम सब्जियां नहीं काटेंगे। आज यहाँ पे हमारे पीछे एक कार्टून रखा है जो आप देख पा रहे होंगे, इसमें बीजन के कंप्लीट हिंदी मीडियम के प्रिंटेड नोट्स हैं, जो कि आपको बहुत सारे स्टूडेंट जो घर पे रहते हैं वो मंगाना चाहते हैं दिल्ली से, मुखर्जी नगर से या करोल बाग से, कहते हैं हमें मंगाने हैं और हमें पढ़ने हैं। आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और देखेंगे, जब भी कोई स्टूडेंट अपने घर मंगाता है ऑनलाइन, जब मंगाता है किसी भी दुकान से, और ये कुरियर जिस दुकान से मंगाया गया है उसका नाम है राजेश बुक स्टोर, आप भी वहाँ से मंगा सकते हो दोस्तों। अभी देखेंगे एक एक करके कि इसमें कितनी बुकलेट हैं प्रिंटेड और उसकी क्वालिटी क्या है। आइए, ये चक्कू है और ये वीडियो आप पूरे देखते रहना। हाँ, आप ये ज़रूर ध्यान से देखना कि कितनी बुकलेट थी, हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना, तो उससे हमें ये पता चलेगा आप कितने ध्यान से ये वीडियो देखते हो और कहाँ कहाँ से देखते हो। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे तो मैं दिखाना चाहूँ, ये दुकान का ही ये कार्ड था जो कि कट गया गलती से। ये देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है राजेश बुक स्टोर, यहाँ पे इनके दो नंबर हैं जो कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और स्क्रीन पे भी। यहाँ पे दोस्तों ये इस तरीके से पैकिंग करते हैं, अगर बारिश में भी अगर आपका कूरियर जाता है तो ख़राब नहीं होगा, क्योंकि कई पिन्नियाँ ये चढ़ाते हैं ऊपर और कार्टून भी काफ़ी मजबूत रहता है। देख रहे हो ना मुझे कितनी मशक्कत करनी पड़ रही है इसको काटने के लिए, बिल्कुल आसानी से ये कट नहीं रहा है, वो भी चक्कू से, तो आप देख ही सकते हो। बाकी का अंदर आपको दिखाऊंगा, आप आराम से बड़े प्यार से देखते रहिए कि क्या क्या इसके अंदर है। और बहुत सारे स्टूडेंट घर बैठे बैठे मंगाते भी हैं पूरे भारत से राजेश जी से, और उनकी कई वीडियोज़ मैंने भी देखी हैं, वो भेजते भी रहते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इनकी दुकान पर बच्चे बताते हैं कि हर तरीके का हमें स्टडी मटेरियल मिलता है, चाहे वो NCERT हो, GS के लिए हो, मेंस के लिए हो, प्रीलिम्स के लिए हो, बेसिक्स के लिए हो, कुछ भी हो। तो अब बीजन का आज आपको स्पेशली दिखाएंगे क्योंकि बीजन की बड़ा डिमांड रहती है, तो सब पिन्नी मैंने खोल दी है। अब बारी आती है कहाँ से कट करें, तो मैं इसको साइड से यहाँ से कट करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो कितना हार्ड है ये, यानी कि रास्ते में कहीं पर भी ख़राब नहीं होगा, ठीक है। अब देख रहे हो ना मुझे बहुत ही ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ रही है इसको काटने के लिए। यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे ये बीजन के नोट्स हैं प्रिंटेड, यहाँ पे ये निकल चुके हैं, हमारे हाथ लग गए हैं फटाफट, पर आपको मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले दोस्तों ऊपर आप देखेंगे ना तो नीति शास्त्र भाग 1 यहाँ पे है ये, ठीक है। मैं फटाफट यहाँ पे रखूँगा, निकाल के आपको काउंट करके ज़रूर बताना है मुझे। ये आप देखेंगे नीति शास्त्र भाग 1, और उसके बाद में कार्टून में हमें मिलता है ये नीति शास्त्र का भाग 2 है, क्लासरूम अध्ययन सामग्री है विजन का, और ये हिंदी मीडियम का है। इनके पास इंग्लिश मीडियम का भी मिलता है, आप ये मत सोचना कि हिंदी का ही मिलता है, ये हम हिंदी का आपको दिखा रहे हैं। नीति शास्त्र का भाग 3 है क्लासरूम अध्ययन, और उसके बाद में ये नीति शास्त्र यहाँ पे आप देखेंगे तो क्लासरूम अध्ययन सामग्री 2023 केस, यहाँ पे लिखा है 80 केस स्टडी प्रश्न और उत्तर। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे ये है भारतीय समाज भाग 1, और उसके बाद में यहाँ पे भारतीय समाज भाग 2 है, और फिर यहाँ पे दोस्तों है भारतीय समाज भाग 3, उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आ जाता है भूगोल का भाग 1। आपको मैं यहाँ पे एक बार इसकी क्वालिटी दिखाई देता हूँ इस वाली बुकलेट की, क्योंकि सबकी तो नहीं दिखा पाऊँगा, आप कॉल करके पूछेंगे। प्राइज़ के बारे में बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, भैया इसका प्राइज़ क्या है, कैसे पता चलेगा, तो स्क्रीन पर जो नंबर है या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है वीडियो के, आप उस पर कॉल करके जो दुकान के ओनर हैं डायरेक्ट उनसे पूछ सकते हो, बात कर सकते हो। ये है दोस्तों भूगोल का भाग 2, उसके बाद में ये है दोस्तों भूगोल का भाग 3। और एक चीज़ और मैं आपको दिखाना चाहूँगा पैकिंग की, कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे सभी बुकलेट को फिक्स करके रखा गया है, ताकि कहीं पे भी हिले ना और रास्ते में ख़राब ना हो जब आपके गांव तक पहुँचेंगे। उसके बाद में यहाँ पे है भाग 4 भूगोल का, और फिर यहाँ पे है भूगोल का भाग 5, और फिर यहाँ पे दोस्तों आ जाता है पर्यावरण भाग 1, ठीक है। इसका पर्यावरण नाम है दोस्तों, तो इसके पेड़ पौधे भी आप देख रहे हो काफ़ी हरा भरा ऊपर बनाया गया डिज़ाइन। उसके बाद में यहाँ पे आप देखेंगे पर्यावरण का भाग 2, और फिर पर्यावरण का भाग 3 ये, और फिर दोस्तों यहाँ पे सामाजिक न्याय, निकालने में मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है क्योंकि पैकिंग इन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से की हुई है। सामाजिक न्याय विजन का है दोस्तों ये, क्योंकि विजन की काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहती है, बहुत सारे स्टूडेंट की मुझे मेल आते रहते हैं। ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे है आज़ादी के बाद भारत, आज़ादी के बाद का भारत जब हम आज़ाद हुए थे उसके बाद का भारत ये, और फिर यहाँ पे दोस्तों निबंध, और निबंध में दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और लिखी हुई है अपडेटेड वैल्यू एडिशन मटेरियल, ठीक है। फिर यहाँ पे दोस्तों आ जाता है आपका प्राचीन भारत
और मध्यकालीन भारत, प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आता है आपदा प्रबंधन 2023। आपदा प्रबंधन जो भी हमारे 2023 में आई है वो सारी चीज़ें इसमें होंगी। यहाँ पे है विश्व इतिहास भाग वन, और फिर यहाँ पे दोस्तों है विश्व इतिहास भाग टू, फिर दोस्तों यहाँ पे है अर्थशास्त्र भाग वन। मैंने आपको शुरुआत में एक चीज़ बोली थी, काउंट करके हमें ज़रूर बताना, क्योंकि मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ, तब मुझे पता चलेगा आप ध्यान से वीडियो देखते हो, अर्थशास्त्र भाग टू। उसके बाद दोस्तों ये है अर्थशास्त्र का भाग थ्री, हिंदी और इंग्लिश मीडियम का दोनों का इनके दुकान पे मिल जाता है। ये अर्थशास्त्र भाग फोर है, लेकिन अभी हम आपको दिखा रहे हैं ओनली हिंदी मीडियम का। अर्थशास्त्र का ये भाग वन है, और यहाँ पे दोस्तों ये है कला एवं संस्कृति का भाग वन यानी कि पार्ट वन। ये दोस्तों है कला एवं संस्कृति का भाग टू यानी कि पार्ट टू। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे है राज्य व्यवस्था और संविधान भाग वन। उसके बाद दोस्तों विजन का हमारे हाथ में यहाँ पे है राज्य व्यवस्था और संविधान भाग टू। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे है राज्य व्यवस्था और संविधान भाग थ्री। उसके बाद दोस्तों हमारे हाथ में आ जाता है राज्य व्यवस्था और संविधान भाग फोर। उसके बाद दोस्तों हमारे हाथ लग जाता है राज्य व्यवस्था और संविधान भाग फाइव। कितने हैं भाई, ये खत्म ही नहीं हो रहे, आगे देखते हैं अब और हैं या नहीं। यहाँ पे दोस्तों अब खत्म हो ही चुके हैं ये, आधुनिक भारत का इतिहास भाग वन है ये। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे है आधुनिक भारत का इतिहास भाग टू। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये है सुरक्षा भाग वन। प्रिंट की क्वालिटी आपको दिखाई देता हूँ, क्योंकि सबकी तो मैं नहीं दिखा पाया, फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाता है इसलिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ बुकलेट और हैं जो प्रिंटेड है विजन आईएएस के, सुरक्षा का भाग टू है ये, और यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय संबंध भाग वन है, और ये क्लासरूम का जो अध्ययन सामग्री है आप लोगों के लिए वो है। प्रिंट करके इसको प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है, बहुत सारे स्टूडेंट, लाखों स्टूडेंट खरीदते हैं देश भर से। अंतर्राष्ट्रीय संबंध भाग टू है ये, और ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध भाग थ्री है। और फिर उसके बाद दोस्तों जो अंतिम बुकलेट हमारे हाथ लगती है वो है गवर्नेंस। तो इसकी प्रिंट क्वालिटी मैं आपको दिखाना ही चाहूँगा। और अंत में मैं आपसे एक चीज़ और कहना चाहूँगा, आपने हमें ये बताना है कि कितनी बुकलेट इसमें थी, और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो भारत में। दूसरी सबसे अच्छी बात ये है कि राजेश जी की दुकान से अगर ये वीडियो देख करके आप मंगाएंगे तो आपको कुछ ना कुछ हो सकता है, वो आपको मैप भी फ्री में एक्स्ट्रा दे दें। अगर आप ये वीडियो देख करके बताएंगे कि हमने वहाँ से वीडियो देखा है और स्टडी मटेरियल मंगा रहे हैं, तो मैप आपको फ्री मिल सकता है इस तरीके का, जो स्टूडेंट के रूम में लगा रहता है, या फिर वो कुछ भी और आपके लिए कर दें, हमें कुछ नहीं पता। वो काफ़ी अच्छे व्यक्ति हैं, कुछ ना कुछ आपके लिए करेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट के लिए करते रहते हैं। स्क्रीन पे हमने इस दुकान का नंबर इसलिए लगा दिया है क्योंकि कई बार बच्चे कहते हैं भैया आपने स्टडी मटेरियल तो दिखा दिया, अब हम मंगाएं कहाँ से। नंबर डाल दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, कॉल करके आप आसानी से मंगा सकते हो, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकते हो। गांव वाले छात्र व छात्राओं के लिए काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो मुखर्जी नगर नहीं आ सकते, क्योंकि जितना किराया वो आने में लगाएंगे उतने में कुरियर उनके घर पहुँच जाएगा। कई बार क्या होता है, बहुत सारे फ्रेंड के पास आने का किराया भी नहीं होता है। कई बार क्या होता है, आसपास गांव में ऐसी दुकानें भी नहीं होती हैं जो यहाँ पे होती हैं। तो जो लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं उनके लिए एक ये सबसे अच्छा हल है, कुरियर आपके घर में 2 से 3 या 4-5 दिन में पहुंच जाता है, अगर आप ज़्यादा दूर रहते हैं किसी भी राज्य में तो। लेकिन आपका एड्रेस प्रॉपर सही होना चाहिए, एक नंबर चालू होना चाहिए जहाँ पर आपका कुरियर होना होता है वहाँ का। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम कुछ भी पूछना भूल गए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए, और नेक्स्ट वीडियो आप कौन से स्टडी मटेरियल पर चाहते हैं ये भी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, ये वीडियो देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया।